हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी आज आपको कक्षा 8 के विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्र मिति प्रश्न 11.3 का सवाल नंबर 9 और 10 हल कराऊंगा। इसके साथ ही आज हमारी प्रश्न 11.3 पूर्ण हल हो जाएगी। बच्चों देखिए हमारे सवाल नंबर 9 में क्या लिखा है, आपकी बुक से मिलान कीजिए। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्र लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चे देखो हमारे सवाल क्या दिया हुआ है, सड़क रोलर का व्यास दिया है और लंबाई दे रखी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सड़क रोलर का व्यास बराबर 84 सेमी और दिया हुआ है सड़क रोलर की लंबाई बराबर 1 मीटर, राइट। सड़क रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेमी और लंबाई दी गई है 1 मीटर और ये 750 चक्कर लगा रहा रोलर, तो 750 चक्कर में वो सड़क के कितने क्षेत्रफल को समतल कर देगा, वो एरिया वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो सड़क रोलर का व्यास दिया 84 सेमी, इसलिए रोलर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 84/2 = 42 सेमी, राइट। इसका मीटर बना सकते हैं, बराबर लिखेंगे 42/100 मीटर, क्योंकि 100 सेमी का 1 मीटर बनता है तो 42 सेमी का मीटर बन जाएगा 42/100 मीटर, राइट। इसको और आगे रख सकते हो आप, ये बन जाएगा 42 का भाग दिया 0.42 मीटर, तो रोलर की त्रिज्या हमको प्राप्त हो गई 0.42 मीटर और रोलर की लंबाई दी गई हमारे पास में 1 मीटर। अब बच्चों क्या कर रहा है, रोलर 750 चक्कर काट रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करता है वो हमें ज्ञात करना है। अब रोलर क्या जो चलेगा रोड पे तो उसका वक्र प्रस्थ का क्षेत्र में ज्ञात करना है। रोलर कहते हैं एक तरह का बैलन होता है, चूंकि रोलर क्या है एक बैलन का उदाहरण होता है और रोलर का जो बेस का हिस्सा वही घूमता रहता है, राइट। तो रोलर जो समतल करेगा जितने क्षेत्रफल को समतल करेगा अर्थात उसका वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल होगा वो, तो लिखेंगे अपन रोलर यानी बेलन एक चक्कर में, रोलर एक चक्कर में सड़क का सड़क को समतल करेगा या समतल करता है बराबर कितना एरिया 2πrh। तो रोलर एक चक्कर में सड़क को समतल कितना करता है 2πrh, ये बेलन का वक्र प्रस्थ के क्षेत्रफल के बराबर करता है समतल। रोलर एक चक्कर में सड़क को कितना समतल करता है 2πrh के बराबर करता है, ये 2π का मान 22/7
आर का मान कितना दिया है 0.42 मीटर इंटू एच, एच ये हमारा एच है राइट, एच का मान दिया है और यहां लिख देना आप मीटर स्क्वायर। अब आप देखो इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 × 42 और 2 संख्या छोड़कर दशमलव है तो यहां पे शून्य लगा देना फिर दशमलव लगा देना तो 0.06 रहेगा, 0.42 में 7 का भाग देंगे देख रहे हैं इसे, हाँ 0 का 0 दशमलव का दशमलव, अब 4 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो भाग पूर के 0, अब 42 में 7 का भाग जा रहा 6 बार 7 × 42 ये आंसर आ गया राइट। अब हम ध्यान देना हमने भाग दे लिया 0.42 में 7 का तो आ गया 0.06, अब 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 0.06 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 0.06 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको गुणा कर देंगे, देखो 44 का गुणा 0.06 से तो देखिए 6×24 = 4 या यहां तक देख लीजिए आप, 0.06 का हम 44 से गुणा करके देखेंगे, 4×24 = 4 2, 4 को 0 से गुणा करके 0, 2 संख्या जोड़ देंगे 4 को 0 से गुणा करके 0, फिर 4 × 2 = 0 ये 4 × 2 = 6 ये 2 × 2 ये 0, अब 1 × 2 संख्या छोड़ के हम क्या लगाएंगे दशमलव, 1 × 2 संख्या छोड़ के लगाएंगे हम दशमलव तो यह आएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। तो बताओ रोलर एक चक्कर में सड़क का कितना भाग समतल करता है 2.64 मीटर स्क्वायर समतल करता है। अब रोलर 750 चक्कर लगा रहा है इसलिए रोलर 750 चक्कर लगा रहा है, इसलिए रोलर 750 चक्कर में सड़क का क्षेत्र समतल करेगा, कितना करेगा इस 750 का गुणा कर देंगे एक चक्कर वाले से, एक चक्कर में कितना करेगा 2.64, अब 2.64 का गुणा करेंगे 750 से, देखो 0 से गुणा करेंगे 0 वाले भाग लगा देना 5×20 = 2 5×30 = 2 32 = 2 3 5×10 = 3 13 7×28 = 8 2 7×42 = 2 44 = 4 4 14×4 = 18 8×2 = 10 8 4×4 = 8 1×8 = 9 1 × 1 और ए शून्य वाली आती है ए शून्य लगा दीजिए आप, अब 2 संख्या छोड़ के हम लगाएंगे दशमलव तो ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोलर एक चक्कर में तो कितना सड़क का भाग समतल करता है 2.64 मीटर स्क्वायर, इसलिए रोलर 750 चक्कर में सड़क का क्षेत्र कितना समतल करेगा 1980 मीटर स्क्वायर। आप बच्चों पहले बेलन का वक्र पर क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए, वह आ जाएगा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, फिर उसको 750 से गुणा कर देना वह आ जाएगा 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, ये आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर 10 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों हमारा सवाल नंबर 10, इसमें लिखा है एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेमी की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों हम सब से देखो जो आपकी आकृति है इसमें सवाल बनी हुई बना रहा हूं, इस प्रकार की बेलनाकार ये पैकिंग है,
इस प्रकार की पैकिंग, ठीक है। इसकी हमारे सवाल दे रखी है 14 सेमी इसका व्यास है, यहां से लेके व्यास कितना बच्चों 14 सेमी ये व्यास है, और इसकी ऊंचाई यहां से लेके, ध्यान देना, यहां से लेके ये ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है 20 सेमी, राइट। अब कंपनी क्या कर रही है, एक जो हमारा बेलना का ये डिब्बा है या जो पैकेट है, इस बर्तन में क्या एक लेबल लगा रही है, इसमें लेबल क्या कर रही है, ऊपर से 2 सेमी छोड़ रही है, मतलब यहां से ये 2 सेमी जगह छोड़ रही है ऊपर से लेके यहां तक, और नीचे भी क्या कर रही है 2 सेमी की जगह छोड़ रही है, वो लेबल बीच में लगा रही है। ये लगा रही है और यहां लिखती है दूध पाउडर, दूध पाउडर, ठीक है। तो ये हमारा लेबल लग गया है, देखो ये लोग, तो कंपनी कितनी जगह छोड़ रही है, यहां से लेके 2 सेमी की जगह ऊपर छोड़ दी और 2 सेमी की जगह नीचे छोड़ दी, तो कोई बता सकता है कि यहां से लेके ये दूरी कितनी बच जाएगी, 2 और 2 4 कम कर देंगे तो ये बच जाएगी 20 माइनस 4 बराबर कितनी आ जाएगी 16 सेमी। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो हमारे पास बेलना का बर्तन का व्यास बराबर कितना है 14 सेमी, इसलिए बेलना का बर्तन की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों 14/2 बराबर 7 सेमी। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है, ये कुल 20 सेमी दे रखी है, यहां से लेके यहां तक इस बेलनाकार बर्तन की कुल ऊंचाई 20 सेमी दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें केवल लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखेंगे, इसलिए लेबल की ऊंचाई, चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, इस लेबल का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो व्यास कितना है, जो हमारे बैरल का व्यास 14 सेमी है, तो यही 14 सेमी व्यास होगा, त्रिज्या 7 सेमी होगी। अब इस लेबल की ऊंचाई यहां से लेके कितनी होगी, ये पूरी 20 है, 20 में 2 सेमी ऊपर छोड़ेंगे 2 सेमी नीचे, तो 4 सेमी छोड़ देंगे 16 बच जाएगा, तो बैरल की ऊंचाई कितनी बच जाएगी, बैरल की ऊंचाई बच जाएगी 20 माइनस 2 माइनस 2 सेमी, 2 ऊपर से छोड़ देंगे 2 नीचे से छोड़ देंगे, तो 20 माइनस 4 सेमी ये कितनी आ गई 16 सेमी। अर्थात हमारे पास जो ये लेबल लगाए हमने, इस लेबल की यहां पे ऊंचाई प्राप्त होगी 16 सेमी। अब हम क्या करेंगे, इसलिए लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, इस लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में ज्ञात करना है, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 होता है, r जो हमारे बेलन की त्रिज्या है वही लेबल की होगी r/7 सेमी, और h ये हमको लेबल की ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी 16 सेमी। देखो बच्चों, लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैंने यहां पे ऐसी जगह क्या लिखा 16। यदि हमको पूछा जाता कि ये बेलना का जो बर्तन है, इस बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं यहां पे एस का मान 16 नहीं लिखता, मैं एस का मान पूरा 20 लिखता, क्यों, क्योंकि बर्तन की ऊंचाई 20 सेमी है और लेबल की ऊंचाई कितनी बच गई, 2 और 2 4 कम कर दी, तो लेबल की ऊंचाई बच गई हमारे पास 16 सेमी।
अब देखिए बच्चों, सात से सात हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, बाईस दूनी चौवालीस गुणा सोलह सेमी स्क्वायर। अब चौवालीस का गुणा हम सोलह से करेंगे बच्चों, तो देखो कैसे, सोलह को चार से गुणा करेंगे, सोलह सौ चौसठ की चार पांचवी की छह, फिर सोलह सौ चौसठ, चौसठ हम छह जोड़ देंगे तो बन जाएगा सत्तर, तो ये आ गया सात सौ चार सेमी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, आपके चित्र के अनुसार ये बेलनाकार बर्तन था, इसका व्यास 14 सेमी है, कुल ऊंचाई 20 सेमी। अब जो लेबल लगाया गया कंपनी के द्वारा दूध पाउडर वाला, ऊपर से 2 सेमी छोड़ के, नीचे से 2 सेमी छोड़ के बीच में लगाया गया लेबल। इस लेबल का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे 2 पाई आर एस का सूत्र लगा के, यानी लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हम ज्ञात कर लेंगे। दो की जगह दो आ गया, पाई का मान भाई बड़ा सात, आर का मान ये 14 का आधा कर दिया हमने 7 सेमी, और लेबल की ऊंचाई आएगी हमारे पास 16। इस प्रकार हमने सात को सात से काट दिया, बाईस दूनी चौवालीस, और चौवालीस का गुणा सोलह से करेंगे तो आएगा 704 सेमी स्क्वायर, अर्थात लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को प्राप्त हो गया 704 सेमी स्क्वायर। इसके साथ ही आज हमारी ये प्रश्न 11.3 फिनिश हो गई, इसके सारे सवाल हमने हल कर लिए। इसके बाद अगली प्रश्नावली हम कल के वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।